नमस्कार, सत्य की खोज में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रवीण तिवारी। आज एक बहुत ही सुंदर किताब के बारे में मैं बात करने जा रहा हूं। सुंदर किताब इसलिए क्योंकि हमने कई किताबें देखी हैं, बड़ी ज्ञान से भरपूर होती हैं, बहुत प्रेरक होती हैं, कहानियों से भरपूर होती हैं, लेकिन व्यवहारिक जीवन में कैसे हमें सत्य की खोज के लिए आगे बढ़ना है या क्या करें, व्हाट टू प्रैक्टिस, कैसे प्रैक्टिस करें सत्य की खोज की, उस पर बहुत कम लोग बात करते हैं। और जाहिर तौर पर जब प्रैक्टिसेस की बात होती है तो हम सबकी ज़िंदगी में अपने अपने तरीके होते हैं। हमारा पढ़ने का तरीका होता है, हमारा बात करने का तरीका होता है, अंदाज़, और वो हमारे अपने रियाज से, अपनी ज़िंदगी के अनुभवों से बनते हैं। अब अगर हम किसी कॉमन प्रैक्टिस की बात करें तब यहाँ पर सत्य की खोज में लगे हुए वो लोग काम आते हैं जिन्होंने कुछ कॉमन प्रिंसिपल्स दिए। उनमें से एक है द पावर ऑफ नाउ, और इस किताब को जो एग्जैक्टली इस वक्त जो कॉपी मेरे हाथ में है वो है प्रैक्टिसिंग द पावर ऑफ नाउ, हाउ टू प्रैक्टिस द पावर ऑफ नाउ। आप समझ गए कि हम आज की नहीं, अब की बात कर रहे हैं, इस पल की। इस पल जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ, मेरे सामने कैमरा है, मैं एक स्टूडियो में मौजूद हूँ, मेरे इर्द गिर्द किस तरह का माहौल है, मेरी सांसें किस तरह से चल रही हैं, मैं किस तरह से बोल रहा हूँ, मैं क्या देख रहा हूँ, मैं क्या सोच रहा हूँ, आई एम कम्प्लीटली अवेयर ऑफ माई सेल्फ। और यही अवेकनिंग है। हम अवेकनिंग के बारे में सुनते हैं कि उन्हें वहाँ अवेकनिंग हुई। एकार्ट टोल ने इस किताब को लिखा, मेरे प्रिय लेखक हैं और मैं उन्हें एक आध्यात्मिक विचारक के तौर पर भी देखता हूँ। उनके लेक्चर्स जब आप सुनेंगे तो आपको एहसास होगा, हालांकि बहुत हद तक वो जय कृष्णमूर्ति और सभी आध्यात्मिक गुरु कहीं ना कहीं किसी न किसी से प्रेरित होते हैं, उनसे चीज़ें सीखते हैं। भारतीय दर्शन से एकार्ट टोल बहुत प्रभावित रहे हैं। लगभग जितने भी आध्यात्मिक चिंतन हैं, चाहे वो पश्चिम के हों चाहे हमारे देश के हों, वो सनातन परंपरा में जितने स्क्रिप्चर्स हैं उनसे बहुत प्रभावित रहे हैं। एकार्ट टोल जय कृष्णमूर्ति के बहुत आसपास बात करते हैं, वो जचते हैं, उनको इसलिए जचते हैं क्योंकि जय कृष्णमूर्ति भी द पावर ऑफ नाउ की बात या माइंड की बात, वो दिमाग की बात करते थे। आपका दिमाग कितना ज़रूरी है आपके लिए, और आपके जीवन में जो कुछ है, आपका मन, दिमाग से भी फिर इतर आपके अनुभवों का, आपकी सोच का जो एक बहुत बंडल बन जाता है, उसके इर्द गिर्द, उस दायरे के इर्द गिर्द आप जब सोचना शुरू करते हैं, उसी से हर चीज़ को एनालाइज करते हैं, तो वो आपका मन बन जाता है। अब द पावर ऑफ नाउ को बहुत सुंदर तरीके से समझाया एक दोहे में, ये भी हमारी परंपरा का हिस्सा है, काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में परले होगी बहुरी करेगा कब, कभी भी प्रलय हो सकती है। खैर, इसमें जो अब है, अब, आज नहीं, अब, इस वक्त आप क्या कर रहे हैं, इस वीडियो को सुन रहे हैं, इस वीडियो को सुनते हुए आप क्या सोच रहे हैं, क्या आप एकदम कोई अलग चीज़ें सोच रहे हैं, अपने जीवन की समस्याओं पर विचार कर रहे हैं और साथ में इस वीडियो को भी देख रहे हैं क्योंकि कहीं से आपके पास आ गया है, या फिर आप पूरी तरह से मेरी आवाज़ को सुन रहे हैं, मेरे हाव भाव को देख रहे हैं, मेरे विचार को समझने की कोशिश कर रहे हैं। और जैसा मैं कहता हूं कि हमारे, आपके या किसी के भी विचार अलग नहीं हैं, हमने उन्हें अलग अलग तरीके से पेश करने की कोशिश की है। द पावर ऑफ नाउ में एकार्ट टोल यही समझाते हैं कि किस तरह से अब आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। और इसके दो चैप्टर, यूँ तो बहुत सारे चैप्टर्स हैं इस किताब में, हालांकि बहुत मोटी किताब नहीं है, बड़ी आसानी से आप इसे पढ़ सकते हैं और बहुत कम समय इस किताब को लगता है, 146 पेज इस किताब में हैं। इसके चैप्टर्स की बात करूं तो दो बड़े इंपॉर्टेंट चैप्टर हैं जिनके बारे में मैं हल्की सी बातचीत करूंगा, लेकिन फटाफट आपको ये ज़रूर बताना चाहूंगा कि इस किताब में द ओरिजिन ऑफ फियर के बारे में बात की गई है। ये सेकंड चैप्टर है, डर हम सबकी सबसे बड़ी समस्या है, हमें डर लगता क्यों है। एकार्ट टोल बताते हैं, या ये सचमुच में आप जब अपने जीवन में इस चीज़ को एनालाइज करेंगे तो आप पाएंगे, आप कभी भी वर्तमान से नहीं डरते हैं, कुछ होने वाला है, ऐसा हो गया तो क्या होगा, वैसा हो गया तो क्या होगा, ऐसा नहीं हो पाया तो क्या होगा, यानी एक ऐसा समय जो इस वक्त मौजूद नहीं है उसके बारे में सोचकर डरना ही, जैसे डरना शब्द आ ही गया, यही डर का मूल होता है। अगर आप वर्तमान में हैं तो आपको कभी भी
इस तरह के डर के घेरे में आने की कभी ज़रूरत नहीं पड़ेगी या आप कभी डरेंगे नहीं। दूसरा एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर है द जॉय ऑफ बीइंग। हाउ इज ऑलवेज मोर इम्पॉर्टेंट देन व्हाट। हाउ, कैसे करें से ज़्यादा क्या करें बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। हम सबके जहन में बहुत सारे सवाल होते हैं और हम एक ख्याली पुलाव पकाते रह जाते हैं, चीज़ों के कर कुछ नहीं पाते हैं, यही सबसे बड़ी गड़बड़ होती है। कैसे करें पर सोचिए। और हमारे यहाँ तो गीता में कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन इतना कुछ कहा गया, लेकिन हम उसको समझते नहीं हैं। हम उन्हें धार्मिक किताबों को लाल कपड़े में बांध के मंदिरों में रख देते हैं। अरे उन्हें पढ़िए, समझिए, एकार्ट टोल ने उन्हें समझा है और एक श्लोक को समझ के इतनी बात बन गई है कि उन्हें समझ में आ गया कि हाउ इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट, व्हाट इज़ इम्पॉर्टेंट। कैसे होगा, क्या क्या करना है वो क्लियर करिए। और दूसरा, कभी भी ये मत सोचिए कि इसका आउटकम क्या होने वाला है। जब आप विवेकपूर्ण तरीके, जैसे शरणानंद जी कहते हैं, अविवेकी काम नहीं करना है, विवेकपूर्ण तरीके से मुझे पता है कि मुझे एग्ज़ाम की तैयारी करना है और इसके कुछ आउटकम आने वाले, वो कैसे होंगे क्या होंगे नहीं, कैसे आप एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं, दैट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट। मैं आपको रिकमेंड करता हूँ ये किताब ज़रूर पढ़िएगा। सत्य की खोज में आज हमने द पावर ऑफ नाउ के बारे में बात की। कुछ और किताबों को आपके सामने रखता रहूँगा। नमस्कार।